हेलो एवरीवन, आज हम अपना नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं। दैट इज़ यूनिट फर्स्ट का हमारा फूड साइंस का पार्ट 6, जिसके अंदर आज हम फूड पिगमेंट्स और फूड एडिटिव्स की बात करेंगे। दैट इज़ खाद्य वर्ण और खाद्य योगज। सो स्टार्ट करते हैं हम खाद्य वर्ण। खाद्य वर्ण क्या होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, फूड पिगमेंट कहा जाता है। ऐसे पदार्थों को कहा जाता है, किन पदार्थों को, जो ऊपर से आने वाले प्रकाश को किसी अन्य रंग में बदलकर प्रतिबिंबित करें। मतलब कि जो हमारी सनरेज आ रही है, जब वो किसी खाने पे पड़ती है, उसके बाद ही क्या होता है कि हमें उसका रंग पता चलता है। अब जैसे कि जो अगर आपने प्रिज्म पढ़ा होगा या फिर आपने विबग्योर पढ़ा होगा, तब आपको ये चीज़ पता चली होगी कि एक वाइट लाइट आती है और वाइट लाइट के बाद ही वो क्या होता है, रिफ्लेक्ट करके हमें कलर्स दिखाई देते हैं। इसी तरीके से जो फूड पिगमेंटेशन है, फूड के अंदर जो कलर है, वो किस चीज़ से आती है कि जब हमारा जो हमारा आउटसाइड की लाइट है वो क्या करती है, किसी भी पदार्थ के ऊपर पड़ती है, किसी भी चीज़ के ऊपर पड़ती है, तो वो उससे रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, उसकी सुरक्षा और पर्यावरण अनुकूल भोजन और रंगीन पेय के रूप में उपयोग किया जाता है। किस चीज़ को किया जाता है, जैसे कि जो हमारे ये फूड के पिगमेंट है, फूड के वर्ण है, ये क्या है, ये हमारे सुरक्षित है और साथ के साथ क्या है, हमारे एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, पर्यावरण अनुकूल है। ठीक है, इसको ही हम क्या करते हैं, भोजन में और अपने रंगीन पदार्थों के अंदर क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं। जैसे कि हमारे फलों और सब्जियों के अंदर क्या होता है, रंग और गंध के लिए भी हम इसे क्या करते हैं, इसमें पाए गए जाने वाले जितने भी हमारे पिगमेंट्स होते हैं, जितने भी हमारे वर्ण होते हैं, ठीक है, वो उनका बहुत ही ज़्यादा उत्तरदायी होता है। उत्तरदायी मतलब बहुत ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंस होती है, कि जैसे आपके कौन सी फल में से, कौन सी सब्जी में से किस तरह की गंध आ रही है, मतलब किस तरह का ऑर्डर आ रहा है, उसका कलर रेड क्यों है, ये सब चीज़ें हमारी फूड पिगमेंट के द्वारा ही आती है। क्लियर, इन्हीं वर्णों के, जो ये हमारे वर्ण हैं, जो हमारे पिगमेंट्स हैं, कि इन्हीं की उपस्थिति के कारण क्या होता है, लाल रंग लाल दिखता है, पीला दिखता है, हरा दिखता है, ये सब हमारे अलग अलग रंगों को प्रकाशित करते हैं, अलग अलग रंगों को दिखाते हैं। उदाहरण के रूप में अगर हम देखेंगे तो टमाटर का रंग लाल क्यों होता है, ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर क्या पाया जाता है, लाइकोपीन पिगमेंट पाया जाता है, इस वजह से उसका रंग लाल होता है। हल्दी का क्यों होता है, हमारा हल्दी का पीला क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर क्या पाया जाता है, कुरकुमिन नाम का एक तत्व होता है, वो हमारी हल्दी के अंदर पाया जाता है, एक पिगमेंट होता है कुरकुमिन नाम का, उसकी वजह से हमारी हल्दी किस रंग की होती है, पीले रंग की होती है। क्लियर, अब हम बात करेंगे कि हमारा फूड पिगमेंट की, हमने अभी तो हिंदी में पढ़ा कि क्या डेफिनेशन होती है, अब हम इंग्लिश में एक बार इसको पढ़ेंगे। तो कोई भी कलर पिगमेंट डाई या सब्सटेंस जो क्या करता है, ऐड किया जाता है हमारे खाने और हमारी ड्रिंक के अंदर, फूड और ड्रिंक के अंदर, उसे हम क्या बोलते हैं, फूड पिगमेंट। कम इन मैनी फॉर्म्स, जो हमारा फूड पिगमेंट है वो बहुत सारी फॉर्म में आता है, लिक्विड में, पाउडर में, जेल में, पेस्ट में, हर तरह से आता है, और उसको यूज़ किया जाता है कमर्शियली फूड प्रोडक्शन में, मतलब इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी और साथ के साथ डोमेस्टिक कुकिंग के अंदर भी। जैसे कि कई बार होता है ना, आप लाल दिखाना हो सॉसेज वगैरह, तो आप लाल रंग डाल देते हो, ठीक है, ऐसे हम अलग अलग कलर्स भी डालते हैं, तो वो सब किस वजह से आता है, फूड पिगमेंटेशन के अंदर ही आता है, डोमेस्टिक कुकिंग के एज वेल एज इंडस्ट्रियल कुकिंग के अंदर किया जाता है। अब हम बात करते हैं भोजन पदार्थों के मुख्य खाद्य वर्ण क्या है, मतलब मेन हमारे जो फूड के पिगमेंट्स हैं वो कौन कौन से, तो चार है प्राकृतिक, कौन कौन से, कैरोटीन, एंथ्रोसाइनिन, फ्लेविन्स और क्लोरोफिन। तो सबसे पहले हम क्लोरोफिन के बारे में, कैरेटिन के बारे में पढ़ेंगे। ये पीले रंग का पदार्थ होता है, इसमें पीला, नारंगी, हरी सब्जियां पाई जाती है। इस रंग पर जो हमारा ताप है, ताप इज व्हाट, टेम्परेचर है, जो अम्ल है, अम्ल क्या चीज़ है आपकी, अम्ल है आपका एसिड है, जो टेम्परेचर है, जो एसिड है, और साथ के साथ जो क्षार होती है, क्षार को हम क्या बोलते हैं, भस्म, इसको और क्या उसका नाम होता है, हमारा बेस, जैसे आपका एसिड होता है वैसे आपका बेस होता है। सो चाहे तो आपका टेम्परेचर कैसा भी हो, एसिड हो, बेसिक हो, ये क्या होता है, मध्यम से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब कैरोटीन का क्या होता है, इन सब में रंग पर कोई भी, कैरोटीन में ताप,
अमल या फिर क्षार का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे ही हम अगले की बात करते हैं, दैट इज एंथ्रोसिनिन। एंथ्रोसिनिन क्या होता है? लाल जामुनी रंग का पदार्थ होता है, ठीक है, जैसे चुकंदर हो गया आपका, जामुन हो गया, काली गाजर में ये पाया जाता है। और टेम्परेचर जो हमारा ताप होता है, इससे ये क्या करता है, अप्रभावित रहता है। अप्रभावित मतलब कि टेम्परेचर का इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, कि अगर बहुत ज़्यादा गर्म टेम्परेचर हो तब भी इसका रंग नहीं निकलता। लेकिन अम्ल से यह हल्का लाल रंग का क्या हो जाता है, हल्के लाल रंग का, तथा क्षार माध्यम से यह नीला हो जाता है, कि मतलब जैसे ही इसको एसिडिक के अंदर, एसिड के अंदर डालेंगे तो क्या होगा, वो लाल रंग का होगा हल्का, और अगर हम उसको बेसिक के अंदर डालेंगे तो वो नीले रंग का हो जाएगा। नेक्स्ट फ्लेविंस, ये सफ़ेद रंग की सब्जियों में पाया जाता है, जैसे कि हमारी आलू होगी, अरबी होगी, गोभी होगी, या प्याज हो गया, जो सफ़ेद प्याज होता है। और इसका टेम्परेचर और एसिड वातावरण से क्या होता है, ये अप्रभावित रहता है। लेकिन ये जैसे ही बेसिक के अंदर इसको इसका रिएक्शन होता है तो क्या हो जाता है, पीले रंग का हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा जो होता है क्लोरोफोमिन, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है, ये हरे रंग का होता है। क्लोरोफिल आप लोगों को पता है, आप लोगों ने साइंस में भी इस चीज़ को पढ़ा होगा। तो क्लोरोफिल क्या है, हरे रंग का होता है, हरी पत्तेदार सब्जी और फलों में पाया जाता है, पालक, मेथी, धनिया, पुदीना और चिलाई आदि। ताप का प्रभाव नहीं पड़ता, टेम्परेचर कितना भी हो कोई इश्यू नहीं है। लेकिन ये एसिड और बेस माध्यम में क्या करता है, प्रभाव होता है, मतलब अमल से ये पीलापन हो जाता है और क्षार से ये हरे रंग का उभर कर आता है, ठीक है। तो ये कलर हमारे चेंज हो जाते हैं, अमल से एसिड से पीला, और जो बेस होता है उससे हमारा ज़्यादा गहरा हरा रंग हो जाता है। सो ये आपके मुख्य खाद्य पदार्थ हैं, ये कुछ एक जो हमारे खाद्य वर्ण है, मतलब पिगमेंट्स के प्रकार हैं ये, ठीक है। और ये हमारे उनके वर्ण है, जैसे टमाटर में लाल रंग लाइकोपिन अभी आपने पढ़ा था, हल्दी के अंदर कुरकुमिन, मिर्च में तीखापन क्यों आता है, कैप्सिसिन, प्याज में लाल रंग एंथ्रोसाइनिन, मूली में तीखापन आइसोसाइनेट, गाजर का नारंगी रंग कैरेटिन, आंवले का कसैलापन टैनिन, पपीते का पीला रंग कैरिका जेंथिन, शलगम में तीखापन कैल्शियम ऑक्सलेट, आलू में हरा रंग सोलेनिन, गाजर में लाल रंग एंथ्रोसाइनिन, खीरे में कड़वापन कुकुर बीट्स, करेले में कड़वापन मार्मिडिकोसाइट, बादाम में कड़वापन एमाइलेट, प्याज में पीलापन क्वेरेसिटिन, और तिहिनों में तेल का पीला रंग, जो तिल के ही होते हैं ये, तिलहनों में तेल का पीला रंग ये होता है हमारा कैरोटीनाइड्स, और मिर्च का लाल रंग हमारा कैप्सिनिथिन। तो ये सारे के सारे कुछ एक बेसिक हैं जिससे आपको पता चल सकता है, क्योंकि अगर कोई भी क्वेश्चन आता है हमारा कि हमारी कौन सी चीज़ में कौन सा हमारा वर्ण, कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, तो यहाँ से आप उसको इजीली देख सकते हैं। कुछ एक नेचुरल फूड डाइज की अगर हम बात करेंगे, तो हमने चार हमने अभी अभी पढ़े हैं, कैरोटीनॉइड्स, क्लोरोफिल, एंथ्रोसिनिन और बिटेनिन, ठीक है। ये इनके कोड्स होते हैं आगे। इसी तरीके कुछ और कलरेंट्स होते हैं, जैसे एनाटोन एक रेडिश ऑरेंज डाई का होता है ये, और ये सीड से बना होता है। कैरेमल कलरिंग भी हमारी कैरेमलाइज्ड शुगर से बनी होती है। कैरमाइन जो होता है वो एक रेड डाई होती है, जो कोचियल एक इंसेक्ट होता है डैक्टालोपियस कोकस उससे बनता है। एल्डरबेरी जूस, लाइकोपिन, पाप्रिका, टर्मरिक, ऐसे ब्लू कलर रेयर होता है, और वो किससे डिराइव्ड होता है, स्प्रियोलिन, स्प्रियोलिन से हमारा ब्लू कलर रेयरली डिराइव्ड किया जाता है। सो अब हम बात करेंगे, ये तो थे हमारे पीछे अभी फूड पिगमेंट्स, अब हम बात करेंगे फूड एडिटिव्स के बारे में। फूड एडिटिव्स क्या होते हैं, जो खाद्य वस्तुओं के स्वाद, रंग, रूप, गंध या अन्य किसी गुण को सुरक्षित रखने या बढ़ाने हेतु डाले जाते हैं। अब क्या है फूड एडिटिव्स, आप किसी भी चीज़ को सुरक्षित रखना चाहते हो, सही रखना चाहते हो और उसके गुणों को बढ़ाना चाहते हो, ठीक है। जैसे उच्च योगज मतलब जो ज़्यादा अच्छे फूड एडिटिव्स भोजन पदार्थ होते हैं, ठीक है, जो हमारे शताब्दियों से डाले जाते हैं, मतलब एंशियंट टाइम से आज तक वो डाले जाते हैं। कौन कौन से होते हैं, आपका सिरका हो गया, नमक हो गया, चीनी हो गया। क्या करते हो आप जब फूड को प्रिजर्व करते हो तब भी ये सब चीज़ें डालते हो, सो ये क्या कहलाती है, हमारी फूड एडिटिव्स कहलाती हैं।
एडिटिव्स क्या होते हैं? कोई भी सब्सटेंस नॉट नॉर्मली कंज्यूम, जिसको हम नॉर्मली यूज़ नहीं करते, किसी एक खाने की तरह नहीं यूज़ करते। देखो चीनी हो गया आपका, यहाँ पर जैसे ऑप्शंस थे नमक हो गया, सिरका हो गया, आप ऐसे ही नहीं खाते हो। लेकिन नॉट नॉर्मली यूज इज़ अ करेक्टरिस्टिक्स इंग्रेडिएंट ऑफ फूड, वेदर और नॉट इट हैज़ अ न्यूट्रिशिव वैल्यू, चाहे उसके अंदर न्यूट्रिटिव वैल्यू हो या चाहे ना हो, ठीक है। उसको क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं। काफ़ी सारे तरह के फूड एडिटिव्स होते हैं, जैसे प्रिजर्वेटिव्स, स्वीटनर्स, फॉर्मिंग एजेंट्स या फिर एंटी केकिंग एजेंट्स। अब हम आगे बात करेंगे कौन कौन से प्रकार होते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा एंटी ऑक्सीडेंट्स, एंटी ऑक्सीडेंट्स कौन से होते हैं? भोजन में रसायन ऑक्सीजन के साथ प्रक्रिया देता है, मतलब कि जैसे ही ऑक्सीजन हमारे खाने के साथ मिलती है उसी टाइम पे एक रिएक्शन हो जाता है, जिससे यह एक अप्रिय स्वाद, मतलब जो टेस्ट है वो खराब कर देता है और भोजन के रंग को भी बदल देता है। परिणाम स्वरूप क्या होता है, ये भोजन को बासी कर देता है और खाने के स्वाद को भी क्या करता है, संरक्षित, ये खाद्य पदार्थों के स्वाद को संरक्षित करता है, ठीक है। तो आप इसका क्या कहने का मतलब है कि जो भी हमारा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे ही ऑक्सीजन के साथ खाना मिलता है कई बार वो क्या होता है, खाना खराब हो जाता है। लेकिन अगर हम उसके अंदर, अपने खाने के अंदर, कुछ एक भोजनों के अंदर क्या करते हैं, रंग देने के लिए और स्वाद को सही करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स डालते हैं, तो वो हमारे खाने के स्वाद को संरक्षित कर सकते हैं। ऐसे ही हम नमक डालते हैं, इसके द्वारा भोजन का जो निर्जलीकरण है, मतलब एनहाइड्रेशन होता है। एनहाइड्रेशन हमने किस में पढ़ा था, अपने लास्ट लेक्चर के अंदर, जब हम पापड़ बनाते हैं, है ना, उसमें से सारा वाटर कंटेंट निकाल देते हैं ना, तो भोजन पदार्थों को क्या कर देता है, ये सूखा रहता है, मतलब सूखा देता है, जिससे अब क्या होता है, अगर किसी चीज़ के अंदर डैम्पनेस नहीं होगी, वाटर मॉइस्चर नहीं होगा, तो वो वहाँ क्या होगा, वहाँ हमारा बैक्टीरिया और खमीर का विकास नहीं होता, ठीक है, फर्मेंटेशन नहीं होती। और मांस और मछली को भी इसी तरीके से क्या रखा जा सकता है, संरक्षित रखा जा सकता है। नेक्स्ट है सिरका। सिरका क्या है, सबसे पुराना योजन है हमारा, एक बहुत पुराना एडिटिव है। 5% इसके अंदर क्या होता है, एसिडिक एसिड होता है, बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्म जीवों को भी क्या करता है, ये मारता है। खट्टे स्वाद के लिए भी भोजन में तेज स्वाद प्रदान करता है। चीनी, यह भी भोजन में से नमी को हटाती है, भोजन अम्लीय बनाती है। अधिकांश बैक्टीरिया अम्ल वाली परिस्थितियों में जिंदा नहीं रहते, तो चीनी क्या करती है, ज़्यादा एसिडिक बना देती है, जिसकी वजह से जो भी बैक्टीरियाज होते हैं, जो भी हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं, वो मर जाते हैं। एंटी केकिंग एजेंट जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट भोजन को क्या करता है, कैंपिंग और सिटकिंग से रोकता है। आमतौर पर पाउडर दूध में उपयोग किया जाता है हमारा एंटी केकिंग एजेंट, क्लियर। सो एंटी केकिंग एजेंट की अगर हम बात करें तो एक एग्जांपल हमारा कॉर्नफ्लोर का भी है, ठीक है। कॉर्नफ्लोर को भी एज एन एंटी केकिंग एजेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है, मॉइस्चर को वो भी अब्जॉर्ब करता है। सो ये हमारे कौन से थे, ये हमारे एडिटिव्स थे। खाद्य वर्ण एवं योजन की हानियाँ से होने वाली हानिकारियाँ, तो क्या क्या हानियाँ हो सकती है हमें, कुछ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। जैसे आपको पता है कुछ एक एंटी केकिंग एजेंट जो है वो यूएसए के अंदर बैंड है, इसी तरीके से कुछ एक एडिटिव्स हैं जो बैन भी किए जाते हैं। क्यों, क्योंकि वो स्वास्थ्य के लिए क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। क्यों हानिकारक होते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, पदार्थों में भोजन और उसके स्वाद या फिर उसकी बनावट को बनाए रखने के अंदर भी मदद करते हैं, लेकिन वो जो हमारे स्वास्थ्य के लिए है वो बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं। और वर्ण या योजक खाद्य पदार्थ क्या करते हैं, एलर्जी क्रिएट करते हैं। क्या क्रिएट करते हैं, एलर्जी क्रिएट करते हैं। क्यों, क्योंकि वो क्या करते हैं, खाने के रंग को देते हैं, ठीक है, तत्व को क्या करते हैं, हमारी एलर्जी, उसके अंदर कोई ना कोई रिएक्शन तो होता है कि वो उस चीज़ को एज इट इज़ रखते हैं। फास्ट फूड हो गया, सोडा हो गया, ठीक है, और पेस्ट्रीज हो गई, कैंडीज हो गई। नेक्स्ट आता है आपका, कैंसर होने की संभावना होती है। कैसे, कि एक अध्ययन हुआ था जिस अध्ययन के अंदर क्या आया कि एसिटिल्सुलफेम के का प्रयोग किया जाता है किस चीज़ के लिए, जैसे कि मिठास, सोडा या फिर मीठे भोजन पदार्थों के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसके सेवन से क्या होता है, हमें कैंसर होने की संभावना रहती है, ठीक है। ऐसे ही जो भी हमारे सूक्ष्म जीव हैं उनके विकास को रोकने के लिए क्या किया जाता है, पेय पदार्थों के अंदर या फिर अम्लीय पदार्थों के अंदर, एसिडिक पदार्थों के अंदर सोडियम बेंजोइट को मिक्स किया जाता है,
ठीक है, और विटामिन सी के साथ इसका प्रयोग किया जाता है, तो इससे क्या होता है, ल्यूकोमिया रोग हो जाता है। कई बार इससे ल्यूकोमिया रोग होने का भी खतरा रहता है, और जो बच्चे होते हैं उनको भी सिर दर्द की समस्या हो जाती है अगर वो क्या करते हैं, जो हमारे खाने के पिगमेंट्स हैं या फिर खाने के कुछ एक एडिटिव्स हैं उनको क्या करते हैं, अधिक मात्रा में प्रयोग कर लेते हैं, तो उनको ज़्यादा हानि होने की संभावना रहती है। सो ये थे हमारे दो तरह के आज के टॉपिक, दैट इज़ फूड एडिटिव और हमारे फूड पिगमेंट्स, जिसको हम खाद्य वर्ण और खाद्य योजन कहते हैं। होपफुली अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो मुझे कमेंट कीजिए या फिर डायरेक्ट टेलीग्राम ग्रुप पे मेरे को पोस्ट कीजिए। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।